की आपके प्राण को नहीं जाने दूंगी नाथ, चार में पानी लेके आ रहे हो स्वामीनाथ, राम नाम बिगड़ है जकर नहीं आएगा भगवान, आज मैं क्या देख रही हूँ? मैंने सोची कि इस संसार में मुझसे बड़ा दुखी है कोई नहीं होगा, लेकिन मुझसे भी बढ़कर यहाँ पर दुखिया उपस्थित है। क्या बात है बेटी, क्यों रो रही है तू? हे भैया, हमारे पति जी प्यास से व्याकुल है माँ, और पानी लेके नहीं जाओगी, अपने प्राण को त्याग देंगे भैया। आपकी आवाज सुनकर के मैं अपने पति के पानी को भूल गई भैया, आपके पास आ गई, आपके जान की रक्षा हुई माँ। अब मुझे जाने दो, अपने पति को पानी लेके जाऊंगी माँ। ठहरो, तुमने हमारी जान बचाई क्षमा, और तेरे पति को पानी पिलाना हमारा कर्तव्य है। क्या भैया? तेरे पति को पानी पिलाएंगे, हम पिलाएंगे बेटी। आप पानी पिलाओगे भैया? हाँ बेटी, हम पानी पिलाएंगे। धन्यवाद, चलो ले चलो उनके पास मुझे। धन्य भैया, हमारे पति को आप पिना पानी पिलाओगी माँ। चलो माँ, धन्य भैया, तुम्हारे चरणों का सेवा करोगी माँ। चलो माँ, जल्दी वापस आ, मेरा प्यास से गला सूख रहा है। मंजू, आओ भैया। कहाँ है तेरे पति? बेटी, हमारे पति है माँ, मेरे प्यास बुला के ला। सविनाथ लाओ, आइए भैया, पानी पिलाएगी नाथ। आइए सविनाथ, आज मैं अपने हाथों से एक दुखिया को पानी पिलाने वाली। भगवान, इधर है हमारे पति बा। कहाँ है बेटी? ये देखो बा। ना, ऐसा नहीं हो सकता, मैं इसे पानी नहीं पिला सकती, ये पापी है, ये पापी है। इसी ने मेरे मांग को जाना, इसी ने हमारे स्वामीनाथ को मारा। नहीं भैया, मैं पानी नहीं पिला सकती। क्या कर रही है तू बेटी? ये भैया, कुछ ऐसा नहीं चाहिए, अपने श्राप को वापस ले लो माँ, और मेरे सुहाग को अमर कर दो भैया। सब तक जीवित रहूंगी, आपके चरणों का पूजा करूंगी माँ। ये तुम क्या कर रही हो? हाँ भैया, ये असंभव है, अपने श्राप को वापस ले लो माँ, और मेरे सुहाग को अमर कर दो भैया, अमर कर दो माँ। ये कैसे करूं बेटी? तुम्हारे पति को तुम चाहती हो ठीक कर दो? हाँ भैया, ऊपर वाले आपके चरणों का सेवा करोगी माँ। आज तू मुझ पर दया करना, एक बात ध्यान में रख बेटी। क्या माँ? दिया हुआ श्राप यदि वापिस लिया जाता है तो वो इंसान इस संसार में जीवित नहीं रह सकता। ऐसा नहीं होगा भैया, श्राप लेने पर उस इंसान की मृत्यु हो जाती है।
नहीं बा। हाँ बेटे, तुम समझने की कोशिश करो, कोई बात नहीं। वैसे भी यहाँ पर मैं जीना नहीं चाहती, मैं भी जाना चाहती हूँ। हम तुम्हारे पति को ठीक करेंगे, तुम्हारा सुहाग अचल और अमर कर देंगे बेटी। धन्य भैया, धन्य बा। ठीक है, धन्य भैया। मंजू, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। मंजू क्या सविनाथ, मुझे कुछ देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मंजू भैया, धन्यवाद। सब तक जीवित रहोगी, तुम्हारे चरणों का पूजा करोगी बा। धन्य भैया। अरे मैं जिसका पूजा कर रही थी वो मुझे छोड़कर चला गया। क्या बा, वो देखो देखो बेटी, मुझे कोई बुला रहा है। क्या बा, वो सामने देखो। क्या, मुझे कोई बुला रहा है। नहीं भैया, मैं आ रही हूँ। नहीं बा, मैं आ रही हूँ। सब सामीरा, ए भैया, मेरे सुहाग को अमर करके आप अपने श्राप को वापस लेके परे प्राण को त्याग दिया। सामीनाथ, धन्यवाद। इस माह का दास संस्कार करना हमारा आपका कर्तव्य है नाथ। हे मैया, हर इंसान अपने जन्म देने वाली माँ से कभी नहीं उऋण होता है, और एक कर्जा आपका भी है। हो गया माँ, माफ करना भैया। किसी जन्म में हम दोनों को उऋण कर देना माँ। धन्य भैया। अरे अरे जी, अरे जिंदगी की किराए का घर है, कि जिंदगी की किराए का घर है। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, जिंदगी की किराए का घर है। आज सारी राजगद्दी मेरे ही नाम हो गई है। राजगद्दी, रियासत, मिल्कियत सब। अरे अब ना रहा, अरे अब ना रहा, अरे माटी के घर में पक्का पिता। अरे पक्का बेटा वाहिद बलमुआ,
पिताजी क्यों अंजो? क्या हुआ? यहाँ तुम अपना राज्य पाठ पाने के बाद हाँ मस्त गीत गा रही हो। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ सरदार। क्यों नहीं? तुम्हें प्रसन्न होना ही चाहिए क्योंकि सारी राजगद्दी मिल्कियत रियासत सब मेरे नाम ही हो गई है। क्योंकि तुम्हारा बाप इस समय मेरे कैद खाने में है। बिल्कुल। और तुम यहाँ की महारानी अर्थात मालकिन हो। मैं यहाँ की मालकिन तो हूँ। और इतना अधिक खुशी में पागल हो गई हो कि शायद मुझसे जो बात की थी उसे भूल गई। ओ नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, भूली नहीं हूँ, याद है सरदार जी, ऐसी बात नहीं है। तो याद है तो फिर मेरा इनाम इनाम तो 30,000 रुपया मुझे दे दो, इसी में आपकी भलाई है। अब 30,000 की बात ही नहीं है, अब तो मैं आपको 50,000, 60,000, 1,00,000 तक भी दे सकती हूँ। दे सकती हूँ कि ना तो जरूरत है, ना तो 50,000 और 1,00,000 की जरूरत है। मुझसे जो बात की है सिर्फ 30,000 वो मुझे दो। अभी एक काम ऐसा करिए सरदार जी, मेरे पिता को आप कैद खाने में डाले हैं, उसको जितनी जल्दी हो सके हराम जादे को इस रास्ते से हटा ही दीजिए, उसका काम तमाम ही कीजिए। आखिर अब तुम्हारा क्या कर सकता है अंजो? अरे बहुत कुछ कर सकता है सरदार जी, मेरे बाप को दिमाग को नहीं जानेंगे आप, वो तो मैं जानती हूँ। चलो अच्छी बात है, अगर ऐसी बात है तो मैं उस नालायक को अभी यहाँ पर बुलवा कर फांसी दिलाता हूँ। बिल्कुल खबरेलाल, उस नालायक बुढ़े को लेकर आ, लेकर आओ उस नालायक बुढ़े।